गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पिछली कक्षा में राजनीतिक विकास पढ़ रहे थे और राजनीतिक विकास के बारे में हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार जो है राजनीतिक विकास के बारे में विचारकों में इसकी परिभाषा को लेकर इसको अर्थ को इसके अर्थ को लेकर मतभेद है। और हमने कल जो है राजनीतिक विकास के लूसियन पाई के हमने उसका प्रतिमान पढ़ा था कि लूसियन पाई ने राजनीतिक विकास की जो है क्या विशेषताएं बताई हैं। तो कल हमने लूसियन पाई के बारे में पढ़ा था और ये आपको बताया था कि राजनीतिक विकास के जो प्रचलित 10 अर्थ हैं, उन 10 अर्थों से जो है लूसियन पाई ने अपनी असहमति प्रकट की है। तो कल हमने 5 अर्थों के बारे में पढ़ लिया था कि लूसियन पाई ने जो है राजनीतिक विकास के अर्थ से संबंधित जो 10 अर्थ हैं, उनसे किस प्रकार असहमति, कल हमने उसके पॉइंट पढ़े थे। तो आज हम 6 पॉइंट पढ़ते हैं कि लूसियन पाई ने राजनीतिक विकास के राजनीतिक विकास के संबंध में प्रचलित 10 अर्थों की समीक्षा करते हुए इनके प्रति असहमति व्यक्त की है। तो देखिए, कल हमने 5 अर्थ पढ़ लिए थे और 6 अर्थ हम देखते हैं। 6 अर्थ है समूह गतिशीलता एवं भागीदारी के रूप में राजनीतिक विकास। तो देखिए, समूह गतिशीलता एवं भागीदारी के रूप में राजनीतिक विकास। तो देखिए, लूसियन पाई ने इस अर्थ से भी अपनी असहमति प्रकट की है कि किस प्रकार जो है राजनीतिक गतिशीलता में हम देखते हैं कि सत्ता में जनता की सामूहिक भागीदारी हमें दिखाई देती है। तो लूसियन पाई ने इसे भी जो है राजनीतिक विकास से संबंधित नहीं माना है। अगला है लोकतंत्र की स्थापना के रूप में राजनीतिक विकास। लोकतंत्र की स्थापना के रूप में राजनीतिक विकास के रूप में राजनीतिक विकास। तो देखिए, लोकतंत्र में भी कुछ कमियां हैं, जिन कमियों और दोषों की बात हम करते हैं कि लोकतंत्र में भी कुछ कमियां दोष रहते हैं और इस कारण से जो लूसियन पाई है इससे भी अपनी असहमति प्रकट करता है। अगला है स्थिरता एवं व्यवस्थित परिवर्तन के रूप में राजनीतिक विकास। तो देखिए, स्थिरता एवं व्यवस्थित
स्थिरता एवं व्यवस्थित परिवर्तन के रूप में राजनीतिक विकास, व्यवस्थित परिवर्तन के रूप में राजनीतिक विकास। तो देखिए लुसियन पाई का यह मानना है कि स्थिर एवं व्यवस्थित परिवर्तन जो है वो राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व लेके आता है और राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता व अनिश्चितता का वातावरण बहुत कम होता है। तो देखिए इस प्रकार जो है इसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन संभव होता है। तो लुसियन पाई जो है राजनीतिक विकास की इस अवधारणा से भी असहमत है कि हम राजनीतिक व्यवस्था में देखते हैं कि हमें परिवर्तन की क्षमता जो है वो देखने को मिलती है। तो इस प्रकार लुसियन पाई इससे भी असहमत है। अगला है गतिशीलता तथा शक्ति के रूप में राजनीतिक विकास। अगला है गतिशीलता तथा शक्ति के रूप में राजनीतिक विकास, गतिशीलता तथा शक्ति के रूप में राजनीतिक विकास। तो देखिए लुसियन पाई इससे भी ऐसा मानता है गतिशीलता तथा शक्ति के रूप में हम राजनीतिक विकास की बात करते हैं तो लुसियन पाई के अनुसार इस अवधारणा का दोष यह है कि इसमें जन समर्थन पर अत्यधिक बल दिया गया है और हम इस अवधारणा को केवल लोकतांत्रिक देशों पर ही लागू कर सकते हैं, गैर लोकतांत्रिक देशों पर इसको लागू नहीं कर सकते। तो इसलिए लुसियन पाई इससे भी असहमत है। और अगला जो अंतिम अर्थ जो है वो है सामाजिक परिवर्तन की बहुआयामी प्रक्रिया के सामाजिक परिवर्तन की बहुआयामी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में राजनीतिक विकास। तो देखिए राजनीतिक एक भाग के रूप में राजनीतिक विकास के रूप में राजनीतिक विकास। तो देखिए लुसियन पाई का ये मानना है कि जो समाज की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवस्था से संबंध रखती है, लेकिन फिर भी राजनीतिक क्षेत्र समाज के अन्य क्षेत्रों से पृथक एवं स्वतंत्र है। तो देखिए सतत प्रक्रिया के रूप में हम जो है राजनीतिक विकास को संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन की एक बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में समझ सकते हैं, लेकिन लुसियन पाई का मानना है ऐसा नहीं है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था जो है समाज की अन्य व्यवस्थाओं से इसका स्वतंत्र और पृथक अस्तित्व है। तो इस प्रकार लुसियन पाई राजनीतिक विकास के इस अर्थ से भी अपनी असहमति प्रकट करते हैं। तो देखिए राजनीतिक विकास के अर्थ से संबंधित जो 10 अर्थ हमने पढ़े हैं, इन 10 अर्थों से ही लुसियन पाई अपनी असहमति प्रकट करते हैं और राजनीतिक विकास को एक बहुत ही जो है उन्होंने अपने एक नए स्वरूप में उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया। और किस प्रकार हमने देखा था कि उन्होंने राजनीतिक विकास के लिए 3 विशेषताएं बताई हैं, समता,
क्षमता और विभेदीकरण। तो इस प्रकार लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास के जो है इन 10 अर्थों से अपनी असहमति प्रकट करते हुए उन्होंने राजनीतिक विकास के बारे में अपने ही जो है विचार व्यक्त करते हुए राजनीतिक विकास को एक अलग बहुत ही महत्वपूर्ण और एक विशेष जो है उन्होंने उससे लक्षणों से युक्त व्यवस्था माना है, जो कल मैंने आपको लक्षण बताए थे, समता, क्षमता और विभेदीकरण। तो देखिए आपके परीक्षा में राजनीतिक विकास का जो प्रश्न आता है उसमें आपको लुशियन पाई का ही जो है वर्णन देना है। तो देखिए इस प्रकार जो इस राजनीतिक विकास के जो प्रचलित 10 अर्थ थे उन 10 अर्थों से लुशियन पाई ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए उसके अर्थ के बारे में अपने ही विचार जो है बहुत ही अलग और सुव्यवस्थित ढंग से जो है उन्होंने प्रकट किए हैं, जो कल मैंने आपको बताए थे उसकी विशेषताएं। तो इस प्रकार अब हम देखते हैं कि राजनीतिक विकास के अर्थ एवं जो लक्षण जो थे उसके आधार पर ही लुशियन पाई ने अपने विचार प्रतिपादित किए। तो देखिए कल हमने लुशियन पाई के बारे में पढ़ा था कि लुशियन पाई ने किस प्रकार से राजनीतिक विकास का जो अपना चित्रण प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने राजनीतिक विकास को एक बहुआयामी प्रक्रिया मानते हुए उसके किस प्रकार से उन्होंने अर्थ कल बताए थे। और हम देखते हैं कि एक अन्य विचारक है उन्होंने भी राजनीतिक विकास के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण विचार प्रतिपादित किए हैं, वो विचारक है हटिंगटन। तो देखिए राजनीतिक विकास के बारे में लुशियन पाई की तरह हटिंगटन भी एक महत्वपूर्ण विचारक हुए हैं जिन्होंने अपने इस अवधारणा के बारे में विचार प्रतिपादित किए हैं। तो देखिए हटिंगटन भी राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं और इन्होंने राजनीतिक विकास का अर्थ जो है किस प्रकार इन्होंने इसकी विशेषताएं बताई हैं और उन्होंने राजनीतिक विकास के साथ साथ राजनीतिक पतन का भी जो है उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो आपके कई बार ये प्रश्न आता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है कि राजनीतिक विकास के साथ राजनीतिक पतन का सिद्धांत किस विचारक ने दिया है। इनका नाम है एसपी हटिंगटन। इन्होंने राजनीतिक विकास के साथ साथ राजनीतिक पतन के सिद्धांत को भी जो है इन्होंने प्रतिपादित किया है। तो हटिंगटन ने राजनीतिक विकास की विशेषताएं और इसका अर्थ अपने अलग रूप में प्रतिपादित किया और इन्होंने राजनीतिक विकास के साथ साथ राजनीतिक पतन के सिद्धांत का भी इन्होंने जो है प्रतिपादन किया। तो हम देखते हैं कि हटिंगटन ने जो है राजनीतिक विकास के जो लक्षण विशेषताएं बताई हैं वो क्या हैं। तो देखिए हटिंगटन ने राजनीतिक विकास के बारे में अपना एक नया जो है इन्होंने सिद्धांत दिया। तो हम देखते हैं कि एस उनका पूरा नाम है हटिंगटन, सैमुअल हटिंगटन। सैमुअल हटिंगटन, सैमुअल हटिंगटन ने अपनी प्रमुख पुस्तक अपनी प्रमुख पुस्तक पॉलिटिकल
ऑर्डर पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग इन चेंजिंग इन चेंजिंग सोसाइटीज इन चेंजिंग सोसाइटीज में सोसाइटीज में ये ई है सॉरी चेंजिंग सोसाइटीज में विश्व के प्रमुख सॉरी प्राचीन देशों में सोसाइटीज में प्राचीन सोसाइटीज में प्राचीन देशों में प्रचलित राजनीतिक व्यवस्थाओं प्राचीन देशों में प्रचलित राजनीतिक व्यवस्थाओं प्राचीन देशों में प्रचलित राजनीतिक विकास सिद्धांत की चर्चा की है तथा इन्होंने राजनीतिक विकास के साथ राजनीतिक पतन का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। तो देखिए राजनीतिक विकास के लक्षण और राजनीतिक पतन के लक्षण इन्होंने बताए हैं। राजनीतिक विकास और राजनीतिक पतन तो देखिए ये लक्षण बताए हैं इन्होंने कि राजनीतिक पतन के क्या लक्षण है, राजनीतिक विकास के क्या लक्षण है। तो सैमुअल हटिंगटन ने अपनी प्रमुख पुस्तक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज में प्राचीन प्रचलित जो है राजनीतिक विकासों के बारे में चर्चा की है कि प्राचीन समय में जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी उनमें प्रचलित राजनीतिक विकास का क्या प्रतिमान था, इसके बारे में चर्चा की और राजनीतिक विकास के साथ साथ राजनीतिक पतन का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। तो देखिए पहला इन्होंने बताया कि राजनीतिक विकास के लिए जो उन्होंने बताया कि अनुकूलनता ये माना उन्होंने पहला है अनुकूलनता और पतन ये हो जाएगा सॉरी पहला ही है प्रतिकूलता अनुकूलनता
का विपरीत हो जाएगा प्रतिकूलता, अनुकूलनता प्रतिकूलता। दूसरा है इसी तरह से लक्षण जटिलता और ये है सरलता, जटिलता और ये है सरलता। तीसरा है स्वायत्तता, स्वायत्तता स्वायत्तता और ये है अधीनता, स्वायत्तता ये है अधीनता। अगला है संबद्धता, संबद्धता संबद्धता या सहमति, संबद्धता या सहमति। इसका है अपोजिट असंबद्धता, असंबद्धता या असहमति, असहमति। तो देखिए इस प्रकार से हटिंगटन ने राजनीतिक विकास के लक्षण बताए हैं। बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से इन्होंने राजनीतिक विकास का, इस अवधारणा का जो है अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद में इन्होंने राजनीतिक विकास के प्रमुख लक्षण बताए। इसी प्रकार से राजनीतिक पतन के भी लक्षण बताए कि राजनीतिक पतन के लक्षण भी क्या हैं। इसलिए ये विचारक बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में आता भी है कि राजनीतिक पतन का सिद्धांत किसने दिया है। तो इसका उत्तर है हटिंगटन। सैमुअल हटिंगटन ने राजनीतिक विकास के साथ साथ राजनीतिक पतन का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। इन्होंने बताया है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक विकास के प्रमुख लक्षण क्या हैं और उस व्यवस्था में राजनीतिक विकास के साथ साथ राजनीतिक पतन, यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि वहां पर पतन हमें किस प्रकार से दिखाई देता है, तो उसके लक्षण भी इन्होंने बताए हैं कि किसी देश में यदि वहां की राजनीतिक व्यवस्था जो है उसका पतन हो रहा है तो उसमें राजनीतिक पतन के क्या कारण हैं, उनका भी उन्होंने बहुत ही विश्लेषण किया है। बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से हटिंगटन ने राजनीतिक विकास के लक्षण के साथ साथ राजनीतिक पतन के लक्षणों का भी जो है प्रतिपादन किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हटिंगटन ने यह बताया है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में यदि अनुकूलनता है कि वहां पर जो भी समय विशेष परिस्थितियां हैं उनके साथ अनुकूलन का मतलब है कि वहां की विशेषताओं को ग्रहण करते हुए उसे अपने आप में ढाल लेना और उसका जैसा बन जाना। तो हटिंगटन का मानना है किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था में यदि अनुकूलनता है वो वहां पर समय विशेष परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है तो वहां पर हमें राजनीतिक विकास दिखाई देता है। इसी प्रकार उन्होंने कहा है प्रतिकूलता, यदि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था उस देश की काल परिस्थिति समय विशेष के साथ साथ तालमेल नहीं बैठाती है तो हमें ये देखने को मिलता है कि उसका पतन हो जाता है, यानी वो समय के साथ में अपने जो है अनुकूल नहीं हो पाती तो हम देखते हैं वहां पर राजनीतिक पतन हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार से जटिलता, तो देखिए किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की में जटिलता होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और यदि वो जटिल नहीं है तो उसका पतन होना अवश्यंभावी, जैसा कि उन्होंने बताया कि सरलता। तो जटिलता, तो किसी भी राजनीतिक विकास में वहां की राजनीतिक व्यवस्था में जटिलता दिखाई देती है तो वहां पर राजनीतिक विकास हमें होता हुआ दिखाई देता है। यदि राजनीतिक व्यवस्था में अत्यंत सरलता है
तो हम देखते हैं कि वहां पर हमें पतन जो है वो दिखाई देता है। अगला है इसी प्रकार से स्वायत्तता। यदि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि वहां पर शासन की शक्ति स्वतंत्र है और किस प्रकार से वहां पर सत्ता में हम देखते हैं कि स्वायत्तता मिलती है, तो राजनीतिक शक्ति जो होती है स्वतंत्रता के साथ में अपना कार्य करती है। और स्वायत्तता किसी भी सत्ता के लिए होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि ये स्वायत्त होगी तभी सत्ता, राजनीतिक सत्ता जो होती है, स्वतंत्रता के साथ में निष्पक्ष रूप से कार्य करती है और वो स्थायित्व उसमें हमें दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि स्वतंत्रता बहुत ही जरूरी है राजनीतिक विकास के लिए। इसी प्रकार से अधीनता, यदि राजनीतिक शक्ति अधीन है, जैसे कि किसी भी अन्य शक्ति के अधीन वो होती है, तो हम देखते हैं वहां पर राजनीतिक पतन है, वहां पर राजनीतिक विकास नहीं है। अगला है संबद्धता, सहमति। हम देखते हैं कि यदि कोई राजनीतिक व्यवस्था में हमें पर्याप्त मात्रा में सहमति की भावना हमें देखने को मिलती है, तो हम देखते हैं कि वहां पर राजनीतिक विकास है। इसी प्रकार से यदि असंबद्धता है, असहमति है, तो हम देखते हैं कि वहां पर राजनीतिक पतन हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार हटिंगटन ने जो है अपना महत्वपूर्ण विचार प्रतिपादित किया और राजनीतिक विकास के साथ इन्होंने राजनीतिक पतन का अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजनीतिक पतन का सिद्धांत किसने दिया। तो हटिंगटन ने राजनीतिक विकास के साथ साथ राजनीतिक पतन का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया और ये बताया कि राजनीतिक विकास, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक विकास के लक्षण तो ये हैं और उस व्यवस्था में राजनीतिक पतन के लक्षण ये हैं। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुकूलनता तो राजनीतिक विकास है, प्रतिकूलता राजनीतिक पतन। इसी प्रकार से जटिलता राजनीतिक विकास का पर्याय है और सरलता राजनीतिक पतन का पर्याय है। इसी प्रकार से स्वायत्तता राजनीतिक विकास का पर्याय है और अधीनता राजनीतिक पतन का पर्याय है। इसी प्रकार संबद्धता यानी सहमति राजनीतिक विकास का पर्याय है और असंबद्धता या असहमति राजनीतिक पतन का पर्याय है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हटिंगटन ने अपना जो है राजनीतिक विकास के साथ अपना राजनीतिक पतन का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है, जो कि उनकी महत्वपूर्ण देन है। तो देखिए हटिंगटन ने जो है अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसी प्रकार से आमंड एवं पावेल ने भी जो है राजनीतिक विकास पर अपने विचार दिए और आमंड एवं पावेल ने राजनीतिक विकास की जो विशेषताएं बताई हैं वो भी हम देखते हैं किस प्रकार से है। तो आमंड एवं पावेल प्रसिद्ध विचारक हैं, इन्होंने भी राजनीतिक विकास का अध्ययन किया और राजनीतिक विकास की इन्होंने कुछ विशेषताएं बताई हैं जो हम देखते हैं किस प्रकार से है। तो देखिए आमंड एवं पावेल के अनुसार राजनीतिक विकास की जो विशेषताएं देखते हैं, आमंड एवं पावेल के अनुसार राजनीतिक विकास की निम्नलिखित निम्नलिखित तीन विशेषताएं हैं निम्नलिखित तीन विशेषताएं हैं। तो देखिए आमंड एवं पावेल ने राजनीतिक विकास की तीन विशेषताएं बताई हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहली है संरचनात्मक एवं
कार्यात्मक विभेदीकरण तथा विशिष्टीकरण, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक विभेदीकरण व विशिष्टीकरण अगला है उपव्यवस्था स्वायत्तता। अगला है राजनीतिक संस्कृति का लौकिकीकरण। तो देखिए आमंड एवं पावल ने भी राजनीतिक विकास के जो है निम्नलिखित तीन विशेषताएं बताकर जो है इसके बारे में अपने विचार प्रतिपादित की।